हमारे साथ एक नए मेंबर आए हैं, हमारे ग्रुप में से हैं शाह अच्छा साहब, अच्छा और यही इनका जहाँ तक तारुफ है। हम नाम नहीं ऐड करेंगे इनसे मजीद के रिकॉर्डिंग में ना आए, तो मैं उनको दावत दूंगा अगर उनका कोई सवाल है तो वो जनाब मोहसिन किबला साहब अलैहिस्सलाम मसीह जमा आपके साथ बैठे हैं, आप इनसे वो अच्छा सवाल कर सकते हैं, कोई बात पूछनी चाहें। उसके बाद हम जी बाकी जी मेहमान को मौका देते हैं। जी शुक्रिया। जी कल मैंने आपसे एक और बात करनी थी, और सूरज खान साहब से, अगर मुझे प्योर डिस्कशन में जाने से पहले कोई 15 मिनट आप लोगों से बात करनी थी कि जो नए मेंबर हैं उनका सिक्योरिटी का मसला होता है, जी उसको जरूर कैसे कवर किया जाए, और हमारे जो मेंबर हैं ये उनके नंबर कहीं भी ना दें प्लीज, तो इस बारे में बातचीत करनी थी आपसे जी जरूर बिल्कुल ठीक है सर। और सूरज साहब से, और दो चार बातें और करनी थी आपसे, खासकर इनकी सिक्योरिटी का मामला। ठीक है कि नहीं? चलो जी जरूर हम ठीक है, सोचेंगे जरूर। चलो ठीक है। वो सूरज साहब सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी जरूर बिल्कुल जी मैं सुन रहा हूँ। कल प्योर डिस्कशन सवालों जवाब से पहले कोई 10-15 एक मिनट ले, कि हमारे कोई मेंबर जो है वो कहीं अपना ज्यादा मुदाखलत ना करे कि उनका बेचारों का सिक्योरिटी का मामला होता है। जी जरूर चलो ठीक है, कल बात करेंगे। तो वो कहाँ है साहब, थोड़ा सा तारुफ करा दे। शाह साहब, आप तो बात करना चाहेंगे? आप पहली दफा तशरीफ लाए हमारी इस रूहानियत की बजम में, तो हुजूर के साथ भी बात करना चाहें, पूछना चाहें तो यह मौजूद है। जी बिल्कुल हुजूर, जैसे वो आपने तारुफ का कहा, तो मेरा नाम कमाल शाह है, शाहजी के नाम से पहचाना जाता हूँ, और अच्छा दरसो तदरीस का सिलसिला है मेरा, जो जो वो है ऑक्यूपेशन, जो वो है मेरा अच्छा पेशा जो है वो पढ़ाना जो है वो मेरा पेशा है। और इस बारे में ये कि मैं कुछ थोड़ी बहुत तालीम की है मैंने कराची यूनिवर्सिटी से, जी और कुछ जो है वो मजीद पढ़ने के लिए बाहर भी गया हूँ, अब वापस आके मैं यहाँ पे, एक कॉलेज है वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा और मजहब की वो जो है मेरी बहुत सरसरी है, मजहबी अगर कोई मुतालिया है या कोई खास सेक्ट या कोई खास फिरका या कोई मसलक, तो वो इन चीजों से शायद मेरा कभी रुझान नहीं रहा, तो मैं बहुत परे हूँ इन चीजों से। तो बस बहुत आज इत्तेफाकन जो है वो ग्रुप में आने का और आप लोगों के दीदार करने का, आपके दर्शन अच्छा करने का मुझे मौका मिला है, तो बस आप लोगों से इस तरह शनासी हो गई है, और मजीद भी हो सकता है कि हम आगे चलें और मोहब्बतें जो है बांटें आपस बाहर किस जगह पे रहे हैं आप? में। बाहर में LMU लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने एक चैप्टर जो है म्यूनिख में, तो वहां से एक जो मेरा चैप्टर था PhD का वहां से मैंने किया है, जी और फिर यूटी ऑस्टिन है टेक्सास में, वहां पे टेक्सास एक में। जी, जी तो अच्छा वहां पे थोड़ा सा लिखने लिखाने का काम जो था वो मैंने किया है। और वीजा तो खैर वहां का बहुत था, उसके जो 5 साल का था, मगर मेरी खुद यहाँ मसरूफियत जो थी कराची में और फिर दीगर इलाके जो हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ आना जाना और कुछ तालीमी के सिलसिले में तो वो ज्यादा थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ सूदमन समझा कि मैं यहाँ ज्यादा अपने वक्त जो है वो दूँ, तो फिर मैं वापस आ गया और यहीं पे अब मेरा यही मशागिल है मेरे पढ़ने पढ़ाने के, और इससे वाबस्ता हूँ। अच्छा, ये तो आपकी इनायत है कि आप यहाँ पे तशरीफ लेके हैं। नहीं, ये आप के जो है आपकी मोहब्बत है जो हमें खोस लाई है।
कुछ इब्तदाई बातें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपने नॉलेज भी है आपका, और इंसान आवाज के पीछे, इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, जो ही वो बात करता है तो जी उसकी अंदर की जो रूह है वो इजहार करती है। तो हकीकत जो बुनियादी बातें हैं वो ये हैं कि माशाल्लाह आपके पास इलम भी है कि जितने भी मजाहिब हैं उनको जरा ऑरेंज की तरह निचोड़ा जाए तो दो बातें निकलती जी हैं। अब आप ले लें कोई 100 ऑरेंज, उनको देख लें जूस कितना निकलेगा। अब ये मजहबे इस्लाम है, ईसाइत है, यहूदियत है, या फॉर ईस्ट में बुद्धिज्म है, कन्फ्यूज, ये तो खैर एथिक मॉरल वैल्यू पे है। जितने ही मजाहब हैं, हम जरा इस्लाम की बात कर लेते हैं क्योंकि इनको बड़ा शौक है कि इस्लाम गालिब होगा, इस्लाम का गलबा होगा। और ये, लेकिन अगर हम कुरान का मुतायला कर लें, अपनी तालीमात तो खैर आपने कुछ थोड़ी बहुत ही सुनी है मेरी किताब या वीडियो। अच्छा, तो कह मैं ये रहा था कि अगर आप इस्लाम कुरान का ही मुतायला करके देखें तो खुदा की जात मजहब का इंकार कर देती है। आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सबको? बिल्कुल जी बिल्कुल आ रही है आवाज, आ रही बिल्कुल आवाज आ रही है। है, आवाज आ रही है। तो हम इस्लाम से ही शुरू करते हैं, फिर ईसाइत और यहूदियत, क्योंकि ये तीनों मजहब, इनको कहा गया अब बैकून तुम्हारा बाप जो था वो इब्राहिम था। तो बनी इसराइल, ईसाइत, फिर ये इस्लाम। कुरान का अगर आप मुतायला करें तो कुरान आदम, नो लोहा, फिर इब्राहिम, फिर मूसा, फिर उधर अलियास आ जाता है, समूह, जितने भी अंबिया हैं, यूनस और ईसा, इन सबका जिक्र करता जा रहा है। और इनका जिक्र करते करते आखिर में बात कहां पर जाके खत्म होती है, खुदा की जात कह रही है कि तुम जितनी भी उम्मतें हो, जितनी भी उम्मत, जैसे ये कहते हैं कि ईसाइत एक उम्मत है, इस्लाम दो उम्मत है, यहूदियत अपनी उम्मत है, इनकी अपनी अपनी उम्मतें हैं, अपने अपने मजहब, खुदा की जात इनकी उम्मत और इनके मजहब का इंकार कर रही है। और कह क्या रही है कि तुम सब एक हो, इन्नी हाज उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, तुम तमाम उम्मतें एक ही हो। कमाल नहीं होगी बात है। अच्छा, इसकी मिसाल यूं दी जाएगी, दरिया चल रहे, दरियाए चनाब भी होगा, रावी भी होगा, सिंध भी होगा, और मुख्तलिफ सिमतों से दरिया चल रहे हैं। इनकी शिनाखत बाकी है कि ये चुनाब है, ये सिंध है, ये रावी है। जब ये समुंदर में गिरेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि सिंध कौन सा है, या रावी कौन सा है, या चुनाब का दरिया कौन सा है समुंदर में? तो खुदा की साथ इनके मजहबों का इंकार कर रही है पहले, और इंकार करके कह रही है कि तुम सारी उम्मतें, तुम कहते होगे कि मैं ईसाई उम्मत हूं, मैं ये उम्मत हूं, खुदा हूं, मेरी निगाह के अंदर अब खुदा यूनिवर्सल बात कर रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ, लिमिटेशन नहीं आ गई यहां। तुम सारी उम्मतें एक उम्मत हो, वह अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें कहा क्या किया था? ये थोड़ी कहा गया था कि तुम मजहब बना के लड़ते फिरो, तुम्हें कहा गया था कि जितने ये शिनाखत के लिए दिए गए थे आपको, लेकिन मकसद जो यूनिवर्सल है उस पर तो आप आए नहीं।
वो ये था कि इंसान खुदा की मार्फत इलाही के राजों को कैसे जानता, ये था मकसद। अब सवाल ये है, मुझे क्यों भेजा खुदा ने? कोई मैं ऐसी नई बात नहीं कह रहा जो समझ में ना आए आप लोगों के। तौरात जो है वो कहती है कि एक वक्त आएगा, यशाया कहती है, कि इस दुनिया के अंदर जो भी होगा वो दुआ करेगा या उसका ताल्लुक खुदा से होगा, यशाया कह रहे हैं तौरात के अंदर। एक ही खुदा है, वाहिद के नाम पर इंसानियत इकट्ठी होती है, ये कह के तौरात कह रही है। वो दिन कैसा होगा? वो दिन ऐसा होगा कि खुदा की जात अपने आप को नहीं छुपाएगी। अच्छा, अब हम इंजील की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको बता ये रहा हूं, इंजील में लिखा हुआ है कि वो जो आएगा, जो आने वाला होगा, वो आने वाला कौन होगा? कि वो खुदा के भेदों को पर्दे हटा के फाश कर देगा, यानी कि खुदा और इंसान के दरमियान फासले खत्म कर देगा, ये कह रही है इंजील। और वो शख्स होगा, तुम उसे उसके फलों से पहचान लोगे। फल क्या होंगे उसके? कि वो इंसान को खुदा से मिला दे, ये होगा उसका फल। अब आप आ जाते हैं इस्लाम की ओर, कि नया आसमान और नई जमीन जरूर आएंगे। कौन कह रही थी? खुदा की जात। अच्छा, वो आएंगे तो क्या होगा, जरा ये भी सुन ले। पहले मैं आपको तबीर बता देता हूं, नया आसमान के खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी, क्यामत आ जाएगी बुराई की दुनिया पर, ये है क्यामत। अच्छा, अब क्यामतें कितनी है वो हम मेरी किसी और वीडियो में देख लें। छह क्यामतें हैं, लेकिन जिस क्यामत की खुदा की जात बात कर रही है वो ये है कि खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी जमीन पर और उसके नूर से जमीन रोशन हो जाएगी। अब जहां खुदा के नूर से जमीन रोशन होगी वहां अंधेरे हो सकते हैं? पहले मुझे ये बताए, वहां तो अंधेरे नहीं हो सकते। और खुदा की जात कह रही है, अभी तक तुमने मेरी कदरों कीमत नहीं पहचानी, मेरी कदरों कीमत नहीं पहचानी, लेकिन वो जो नई जमीन होगी वो पहचान जाएंगी। अच्छा, अब नई जमीन से मुराद जमीन की बात नहीं हो रही, ये उन नए लोगों की बात हो रही है। नया इंसान होगा जिसका जिंदा ताल्लुक जो होगा वो खुदाए वाहिद से होगा, वो सपनों की दुनिया में नहीं रहेगा, वो कशफों की दुनिया में भी नहीं रहेगा। उसकी रूह उसके जिस्म से निकल कर खुदाए वाहिद के सामने जाके खड़ी हो जाएगी और एक नया सफर करेगी। इसके लिए मुझे भेजा गया, जो बात वो नई जमीन से मुराद वो नया इंसान होगा, जमीन की थोड़ फोड़ की तरफ इशारा नहीं है। तो मजहब वाले भी कहते हैं कि जब क्यामत आ जाएगी तो क्यामत तो मैं ले आया हूं। वो क्यामत क्या है? कि अब जो जमाना शुरू होगा वो ईमान का जमाना नहीं होगा। आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं, मतलब जितने भी है ईमान की बात कर रहे हैं, मौत के बाद ईमान लेके आओ, आखिरत पे ईमान लेके आओ, फरिश्तों पे ईमान लाओ, खुदा पे, फला फला ईटीसी वगैरह वगैरह। लेकिन खुदा की जात नबियों को कह रही है और मोहम्मद को कह रही है, मुझे वादा खिलाफ मत समझ। जब उसके आने का वक्त आएगा, वो आएगा तो छुपी हुई जन्नतें हम जाहिर कर देंगे। भाई देखे ना, आपके सामने जन्नतें जाहिर हो गई,
आपके सामने फरिश्ते आखिरत की जिंदगी मुशाहदे में आ गई, आपका सफर शुरू हो गया, तो फिर ईमान कैसा? ईमान तो उस चीज पे लाया जाता है जो दिखाई ना दे। अच्छा, ये जो वक्त है ये ईमान का वक्त नहीं है, खुदा की जात जो है। अब 11 किताबें हैं, हर किताब में खुदा की जात कहती है, मैंने राज़े इलाही जो फरिश्ते नहीं पा सके वो मैंने तुझे दे दी, मैंने तुझे मसीह ज़माना कहा है। एक नबी होता है, मैं बता देता हूं, फिर एक मसीह होता है, एक जो अभी तक आपने सुना नहीं वो है मसीह ज़माना। हर जमाने पे तेरी मिसाल दी जाएगी और तुझे हमने जंतों का भी मसीह जमा बनाया है कि वहां भी सफर करके तू उनको वो राज बताएगा जो अभी तक फरिश्तों को खबर नहीं। इसलिए मुझे भेजा गया ताकि मैं अपनी क्लैरिफाई कर दूं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। फिर खुदा ने कहा मैंने तुझे अपना दिल बना के भेजा। भाई दो ही बातें हो सकती है, जाहिर पन लोग कहेंगे लो जी ये क्या कह रहे हैं कि खुदा का दिल है, वो जाहिर पन में मर जाएंगे। जैसे इस्लाम के लिए ईसाइत जब कहती है वो खुदा का बेटा है तो ईसाइत इस्लाम के लिए जहर है ये बात। लेकिन अगर बाइबल का मुतायला करें तो ईसा खुद कहते हैं मैं उसका बेटा हूं। जब उसने कहा मैं उसका बेटा हूं तो उसने अपनी बात भी साफ कर दी। वो 10 दफा अपने आप को इब्ने आदम कहता है। क्या कहता है? इब्ने आदम, मैं आदम की औलाद में से हूं। और 2-3 दफा कहता है मैं खुदा का बेटा हूं। ये खुदा ने मोहब्बत में उसे अपना बेटा कहा। अच्छा, मोहम्मद अरबी जो है वो हदीसों में कहते हैं इंसानियत जो है ये खुदा का अयाल है, खुदा का खानदान है, जो भी उसके अयाल से जितनी मोहब्बत रखेगा उतना ही खुदा के नजदीक होता जाएगा। तो बात तो वहां भी खानदान की होगी, तो अयाल में बेटा बेटी होते हैं ना। तो खुदा की जात कह रही है मैंने तुझसे नया आसमान और नई जमीन छोड़ी। अच्छा, अब जो नया आसमान है खुदा की मंशा क्या है? वो कौन बताएगा कि खुदा की मंशा क्या है? वो राज़े इलाही क्या है कि उसकी मंशा को समझते समझते इंसान की सारी रूहानी हिस्से खुल जाए इस दुनिया में, ताकि ना मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये सब झगड़े हो जाए। तो अब हमारे वन फैमिली वर्ल्ड में मजहब की तो खुदा ने सफर लपेट दी। खुदा ने अब जो नाम दिया है इंसानियत को वो ये कहा है वन फैमिली वर्ल्ड सेंटर्ड ऑन गॉड, एक इंसानियत का खानदान होगा वो जिसका मेंबर खुदा की जात। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ राय रास, खानदान के अंदर मोहब्बत चलती है या कानून चलता है? पहले मुझे ये बता दे, ये जो क्या नाम, अच्छा नाम तो मैं नहीं पूछूंगा कहीं, मैंने आपसे पूछा ये बता दे खानदान में मोहब्बत भारी होती है या कानून? मोहब्बत भारी होती है। तो खुदा ने इस इंसानियत को अब एक खानदान कहा है जिसका वालदैन वो खुद होगा। अच्छा, ये क्या कि वो एक और बात भी कह रहे, चाहे कुरान हो चाहे कोई और किताबें हो, वो कह रहा है उस दुनिया के अंदर मौत हार जाएगी। क्या हार जाएगी? मौत हार जाएगी। आप बताएं अभी तक मौत का डर है कि नहीं इंसानों को? ये आई तो क्या बिल्कुल है,
आई तो क्या होगा, अभी तो नहीं सोचते, लेकिन जब वो आएगी तो मुझे याद है वो अबू बकर जो इनके पहले खलीफा, उन्होंने कहा जो चीजें मैं देख रहा हूं ना अब, काफिर भी जो है वो मान जाता है कि मौत ऐसी चीज है, ऐसा झटका देती है। तो मौत कह, तो खुदा की जात कह रही मौत हार देगी, और जिंदगी का मसला ये होगा कि मौत का अख्तियार खुदा की दुनिया के अंदर इंसान कामिल को दिया जाएगा। भाई तू बता तेरी रजा क्या है, और 100 साल तक इंसान किसी बीमारी के बगैर तंदुरुस्त अपनी जिंदगी गुजारेगा, ये गारंटी कोई और दे सकता है? नबी भी नहीं दे सकते, वो तो बेचारे खुद बीमार होके चले गए। खुदा की जात कह रही है तकदीर का मसला हल हो जाएगा। अच्छा अब तकदीर का मसला क्या है, इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। जब खुदा की जात अंधेरों से नूर तख्लीक कर कर बाहर आई तो कहा जिंदगी जो है शुरू यूं हुई कि मैं मोहब्बत देना चाहता हूं। तो कुल्ले कायनातों में ये लोअर क्रिएशन हो या हायर क्रिएशन हो, जिंदगी कभी भी ना होती किसी प्लैनेट, या प्लैनेट का तो तस्वीर ही नहीं, जब कुल्ले कायनात ही नहीं तो फिर होगा क्या? जिंदगी कहीं भी ना होती अगर ये मोहब्बत का जज्बा ना होता। अब मोहब्बत की दुनिया में जब कोई कदम रख देता है तो क्या फिर कोई तकदीर का मसला रह जाता है? खुदा की जात कह रही है वो वक्त आने वाला है, उस वक्त के लिए मुझे भेजा है। तो चाहे कोई मजहब हो, हमें कोई तकरार नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं तुम्हारा हर मजहब यही कहता है कि हर मजहब की जो तान बांत और जो मंजिल है वो खुदा की जात है। तो तुम्हें हम मान ही जाना चाहते हैं जो जमाना आ गया है। ये वो जमाना है कि खुदा ने मुझे भेजा, कि ये वो वक्त है अब अंधेरे दूर हो जाएंगे, तकदीर के मसले खत्म हो जाएंगे, हादसात खत्म हो जाएंगे। जरा मुझे देखो कितनी बड़ी जात है खुदा की जात, सब कुछ कर सकती है, लेकिन तुम्हारे दिल में आने के लिए तुमसे इजाजत मांग ली। वैसे भी कोई घुस सकता है, मैं मालिक हूं, लेकिन नहीं। और अपने तक भी पहुंचने के लिए कहता है मेरे दिल पर आने के लिए भी जरा खटखटा देना, पहले खटखटा देना, और जब मैं आऊंगा तो मैं भी खटखटाऊंगा। रात के साए में हमने क्या क्या धोखे खाए, एक जरा सा दिल धड़का और हम समझे वो आए। मोहब्बत में सनम तेरी कसम ऐसा भी हो। तो जो मैं चीजें बयान कर रहा हूं वो ऐसी नहीं है, वो एक नया इजहार है। सच्चाई नहीं बदलती, सच्चाई का इजहार बदल जाता है। तो कुल्ले कायनात में जो कुछ आप तलाश करेंगे, इस ज़ाहिरी कायनात या जो साइंस अपना रिसर्च कर रही है, हाउ द क्रिएशन इज क्रिएटेड, हाउ कैसे, और जो मजहब तलाश कर रहा है व्हाई गॉड क्रिएटेड दिस क्रिएशन, ये क्यों तख्लीक किया गया, ये कैसे और क्यों, इसका जवाब रूहानियत देती है। इसका जवाब रूहानियत देती है। तो खुदा की जात कह रही है किसी मजहब के जो भी इबादत हैं ये मुकामात हैं। क्या है? मुकामात। ये एक दरख्त है,
और इसका फल जो है मोहब्बत इलाही है। मोहब्बत इलाही जो है ये मुकाम नहीं है, ये एक हाल है। ए दिल तेरी आहों में असर है कि नहीं, जो हाल इधर है वो उधर है कि नहीं, तो ये एक हाल है। तो खुदा की जात जो कह रही है वो ये कह रही है कि मैं अपने मोहब्बत करने वालों को मुकामात से निकालकर हाल में लेके आऊंगा। तो जो कुछ आप आखिरत में तलाश करेंगे, जो कुछ कोह मकाम में तलाश करेंगे, वो सारे जहान और कायनाते और आखिरत की चाबी आपके आपके अंदर डाल दी गई। वो क्या शेर है, मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा, कि जाहिर बिन लोग जहानों में तलाश करते हैं और वो जहान जो है वो एक खुदा के मोहब्बत करने वाले के अंदर समा जाता है। मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा। तो छह चाबियां हैं जिसको हम बतौर यूनिवर्सिटी यूरोप में जब बना रहे हैं, या वक्त लगेगा, उसमें पहली चाबी होगी कि जिस्म क्यों दिया गया है इंसान को। दूसरी चाबी होगी कि दिमाग की वजह और इसकी रफ्तार और इसकी महदूदियत क्या है। बिकॉज दिमाग जो है नीड इंटेलेक्चुअल रीजन, नीड ए रीजन, और इसकी महदूदियात कहां पे जाके खत्म हो जाती, ये चाबी होगी। फिर इससे आगे खुदा की जात कहती है, मैं तुमको कोहो मका के शोर में लेके आऊंगा। कोहो मका के शोर में लेके आऊंगा, उसके बाद ये सारे मुकामात हैं जो मैं बयान कर रहा हूं। फिर ये है कि मैं तुम्हें सच्चाई की दुनिया से गुजारूंगा, जमीर की रोशनी से। जिस इंसान के जमीर की रोशनी मर चुकी है उस पर कोई कानून भी लागू नहीं हो सकता, वो जज के सामने भी झूठ बोल देगा। पुलिस भी चाहिए, अदालत भी चाहिए। जिसके अंदर जमीर का नूर जाग चुका है उसे पुलिस की भी जरूरत नहीं है, उसका जमीर खुद ही बता देगा तू कहां पे गलत है, कहां पे। तो ये जमीर की रोशनी है जो इंसान को नूरों की दुनिया के अंदर पहुंचाती है। ये वो जमीर का नूर है जो इंसान को आखिरत में सफर कराता है, मुशाहिदा इलाही और खुदा के साथ सफर कराता है। उसके बाद दिल की दुनिया शुरू होगी। दिल की दुनिया ऐसी है, अगर ये ना होती जज्बा तो कुछ भी नहीं होता। अब देखिए कितना बड़ा जहाज है, अब पायलट है, वो जहाज का जो चप्पू होता है वो एक हॉरिजॉन्टल स्टीयरिंग, उसको मोड़ते हैं तो पूरा जहाज मुड़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो फिर हम इसके मुतालिक बयान करेंगे कि इसके मुकामात क्या है। फिर हम बयानात करेंगे रूह की पहुंच कहां तक। अच्छा, सिर्फ बयानात करने से कोई इलम जो है उसको अगर ना परखा जाए मुशाहदे पे और तजर्बे पे, तो वो इलम इलम रह जाता है, गंदा पानी हो जाता है, वो ठहर जाता है, बदबू देता है। हर इलम जब इलम के सही मजमून में दाखिल होता है, जब मुशाहिदा इलाही और राज इलाही से उसको गुजरे। तो एक अल्फाज आप गलत पढ़ रहे हैं,
तो इससे मुराद ये नहीं है, आप सारे अल्फाज ही गलत पढ़े, लेकिन अगर मजमून आपके दिल का अदा हो गया तो अल्फाज पीछे रह जाएंगे। समझ गए मेरी बात? अल्फाज साकत हो जाएंगे। जैसा कि मूसा ने कहा, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा तलफ़ुज़, मैं आवाज मेरी कड़कड़ाती है, अल्फाज सही अल्फाज नहीं बयान कर सकती। तो खुदा को चाहिए था कोई ऐसा बंदा ढूंढता जो बयान और मुकर्र ऐसा होता जो अल्फाज के मोती पिरो देता। क्या ख्याल है आपका? और ये तो बात भी नहीं, खुदा ने कहा नहीं, नबी तू ही होगा क्योंकि मेरा दिल तुझसे मिल गया। हाँ, तुझे हारून दे देते हैं। हारून जो थे वो बाद में मोती बिखेर देते थे। हारून तुझे दे देते हैं, लेकिन हम कलाम आमने सामने मैं तुझसे होगा। तो एक छोटी सी बात करके, क्योंकि आज ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, हसन बसरा अपने मुरीद से मिलने गए ईरान में। हसन हसन बसरा अपने मुरीद हबीब अजमी से मिलने गए। जी जरूर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है जी? रिकॉर्डिंग यू आर मेकिंग फसाना से? यस। जी, बहुत शुक्रिया। तो मगरिब का वक्त था और हबीब अजमी जो है ये मुरीद है। अब वो अजान का वक्त हो चुका था, मुअज्जिन ने तकबीर पढ़ दी, नमाज शुरू हो गई। हसन बसरा उस वक्त पहुंचे, ये मुर्शिद है और वो मुरीद है। हबीब अजमी गलत पढ़ रहे थे कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को अम्दुलिल्लाह मतलब ही पुटा हो गया, गलत पढ़ रहे यार। हसन बसरा ने कहा, मेरी तो मेहनत जाया होगी, मैं तो इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता क्योंकि ये तो सही अल्फाज भी नहीं अदा कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अम्दुलिल्लाह, खैर नमाज पीछे नहीं पड़ी अपनी, पढ़ ली। रात को खुदा की जात मिली ख्वाब में और कहा, ए हसन बसरा, तू अल्फाजों के हेर फेर में पड़ गया था, अल्फाजों के हेर फेर में, कि वो तलफ़ अदा नहीं कर सका। अगर तू रात पीछे अपने मुरीद के नमाज पढ़ लेता तो मैं तुझे हमेशा ही मिलता रहता। वाह, तो तूने अपनी नमाज पढ़ी तोड़ के, तुझे क्या खबर कि उसके दिल की आवाज और मेरे दिल की आवाज मिल चुकी। देखा, तो जाहिरीपन में जब आप जाएंगे तो पता लगेगा कि आप अभी दिमाग की दुनिया में हैं। किस दुनिया में है? दिमाग की। और रूहानियत की दुनिया दिमाग पीछे रह जाए। आप देखें ना, शुरू शुरू में जब सूफी की रूह निकलती है इस दुनिया में, मर के बनने की बात नहीं, तो पहले दिमाग ही उसको पकड़ लेता है। जैसे आप कुत्ते को वो डालते हैं, क्या कहते हैं, जंजीर, ठीक है, उसको डराता है दिमाग, वो तो कहाँ जा रहा है, अगर इस खिड़की से निकल गया तो वापस नहीं आएगा, उधर तू गया इधर मैं गया, खौफ दिलाता है, वजह पूछता है। तू जो जा रहा है मुझे तो मुतमईन करके जा। तो ये जो खौफ है कि मेरा सब कुछ छूट जाएगा, ये खौफ इसलिए है कि मोहब्बत और खौफ जो है वो एक संगम में नहीं मिलते। और खुदा की जात जो है वो इतनी महावरा है, वो मोहब्बत आ जाए तो सबसे पहले चीज जो गिरती है इंसान के अंदर वो बुत का खौफ है। तो अगर खुदा ने चाहा तो
इस मजमून पर मैं अगली दफा और रोशनी डालूंगा तफसील से इन छह चाबियों पर। तो ये छह चाबियां आपके अंदर ही जो है, आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये बताना मसीह उस जमाने के काम है। मसीह उस जमाना वो बता देगा और यहां तक कर देगा कि जो आपके दिल की क्षमा है जिसमें अभी रोशनी नहीं आई वो भी रोशन कर देंगे। लेकिन फिर इसकी हिफाजत करना जो है सारी जिंदगी ये आपका काम होगा। एक जिंदगी खुदा को तलाश करने में नाकाफी है, फिर एक जिंदगी वो मिल जाए फिर वो कि कहीं छोड़ ना जाए, फिर यही जिंदगी जो मोहब्बत में नूर बनी यही आपको आखिरत में सफर कराएगी। कहां कहां सफर कराएगी? हर जंतु में सफर कराएगी, वहां मार्फत इलाही का रिजक और प्यास बुझाते हुए अब दूसरी जंतु में जाएंगे, वहां नूर जगह, फिर वहां एक जमाना गुजरेगा, फिर उधर से नूर मिलेगा तो अगले जहान चले जाएंगे। तो क्या कहती है खुदा की जात, मैं जहानों का रब हूं। मुसलमान ये समझ बैठे हैं वो मुसलमानों का रब है। ये ठोकर ईसाइयों ने खाई, यही ठोकर जो। तो आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, फिर एक दो सवाल और पूछ लेता। बुद्ध की जो दुनिया है गौतम बुद्ध, वो जापानी कोरिया या इस तरफ, वो कहते हैं कि बुद्ध पहला शख्स था जो फिरदौस में दाखिल हुआ, पहला शख्स था वो कहते हैं। तो जब बुद्ध कहते हैं कि मैं दाखिल हुआ फिरदौस में तो जंग लगा हुआ था बहुत ज्यादा, तो बुद्ध ने बड़ा जोर लगा के दरवाजा खोला, तो बुद्ध पहला शख्स हुआ जो फिरदौस में दाखिल हुआ। जब मेरी बुद्ध से मुलाकात हुई अपना फिरदौस में तो मैंने कहा गौतम बुद्ध जन्नत के तो दरवाजे नहीं है, तो वो किस दरवाजे को जंग लगा हुआ था? क्योंकि तेरी जो उम्मत है वो तो कहती है कि उन्हें बड़ा जोर लगा के वो दरवाजा जो था फिरदौस का उसको जंग लग गया, बड़ा जोर लगा के खुदा। तो यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं जिसको जंग लगाओ, यहाँ तो प्रवास करने वाला हर जब चाहे पहुंच जाए। तो गौतम बुद्ध इस अपनी तमसील को खोलते हैं जैसे कुरान अपनी तमसीलों को नहीं खोलता, छोड़ गए उम्मत को वैसे ही ईसा अपनी तमसीलों को नहीं बताया, वो भी छोड़ गए, वो बेचारे धके खाते पीते हैं, खाते पड़ते, कभी इधर टकरे मारते हैं कभी उधर टकरे मारते हैं, फिर को हो गए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं ये दुरुस्त है कि जंतों के तो कोई दरवाजे नहीं है, वो जिस दरवाजे को जंग लगा हुआ था वो मेरा दिल था कल्बे लाही, उसको खोलते खोलते एक वक्त लग गया। ठीक है, तो मैं अपने दिल की बात कर रहा था, अब देखो उम्मत ने क्या समझा है उस दिल को। ठीक है, इसी तरह कुरान वो कहता है कि हमने तमसीलें पेश की हैं, वतिलकल इम्साल, अब तो अरबी भी गई, नजरी बुहाल इन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, ये सब कुछ तमसीलें, तुम गौर फिक्र करो यानी कि मुशाहदे की दुनिया में दाखिल हो। ठीक है, तो राबिया बसरिया जब जुमे को अपना सामान खरीद के चलती तो रस्ते में हसन बसरा को देखती, वो सारे हजारों अपने मानने वालों को लेकर तोते आवजारी करते, तू मुझे कब लाएगा,
एक मुद्दत जमाना हो गया, मैं कब आऊंगा तेरे पास? वो कब मोहब्बत का, अब वो जो मोहब्बत की शराब है जिससे मैं, वो शराब कैसी है, वो ये तो शराब बेहोश कर देती है ना, पागल कर देती है सिर में दर्द, वो शराब कब पिलाएगा कि मैं होश में आ जाऊंगा? ये शराबे सिर में दर्द, मुंह से बू, इंसान अपना ऐसी बातें कर जाता है जो आम हालात में नहीं होती, वो शराब कब पिलाएगा कि मैं होश में आ जाऊंगा? जब मेरा शऊर होश में आ जाएगा, जब मेरे दिमाग की महदूदियात खत्म हो जाएगी, जब सच की दुनिया को पाकर मैं मोहब्बत की दुनिया में दाखिल होऊंगा, वो कब, वो शराब कब पिलाएगा? ये तो मैं बता रहा हूँ ना, हसन बसरा तो यही कहते थे कि तू बुलाएगा कब? तो रोज जुमे को अब खुद भी रोते और अपने मुरीदों को भी रुलाते। तो एक दिन राबिया बसरिया दो थैले सामान भरा हुआ था, हसन बसरा भी जानते थे कि वो अपने वक्त की कलंदर है, तो राबिया बसरिया करीब गुजरी और वो जो थैला था ना सामान का, वो हसन बसरा के सर पे मारा। अच्छा, ये सजदे में आहोजारी कर रहे थे, वो मारा थैला तो 14 तबक रोशन हो गए, उठ के बैठ गए, देखा तो राबिया बसरिया, कहा राबिया बसरिया ये तूने क्या किया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। इज्जत का भी, सूफी को अपनी इज्जत नहीं अच्छी लगती, सूफी जलील हो जाता है खुदा की मोहब्बत में, तूने मेरी इज्जत ही खाक में, देखो क्या बात। राबिया बसरिया कहती मुझे एक बात बता, तू जो ये हर जुमे को आहोजारी करता है और इनको भी बुलाता है कि तू मुझे कब बुलाएगा, वहां तो जब चाहे तू जा सकता है, वहां तो कुछ तू जब चाहे जा सकता है, फरिश्तों को मिल सकता है, खुदा को मिल सकता है, अपनी मेराज कर सकता है, तो वहां तो कोई रोक टोक नहीं है, खुदा खुद बुलाता है, कोई है अहले दिल या साइल जो मुझसे मिलना चाहता है, तो वहां तो कोई रोक टोक ही नहीं है। तो तू अगर नहीं जा सकता तो ये तेरा भूत है, अपने भूत को तो गिरा पहले। तो हम सबको अपने भूतों को देखना पड़ेगा, हमारे भूत क्या हैं? क्या हम इस दुनिया की दौड़ में इतना आगे चले गए हैं कि वो भूत हमारे अंदर बस गया? क्या हम किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, वो भी बुत हमने अपने अंदर बसा लिया, हालांकि वो कहता मोहब्बत के लायक मैं हूं, शुरू में भी आखिर में, कुल्लो जहां में तुम जहां जहां जाओगे, जिन जिन जनतों में पहुंचोगे, वहां जो मोहब्बत की आवाज होगी वो मैं हूं। तो ये बयान था, तो मैंने थोड़ा सा बयान कर दिया, तो ये सवाल कर लें या कोई और सवाल कर लें? जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जी प्लीज, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि चलिए, ये तो चलिए आपने काफी अपनी बातों से साबित कर दिया कि खुदा के बारे में सब कुछ, तो क्या अल्लाह के कुछ कवानीन भी हैं कि जो अब के, एक तो कुछ कवानीन ऐसे हैं जो बाइबल में बताए गए हैं या कलाम जीत में बताए गए हैं, क्या अब अल्लाह के कवानीन क्या वही हैं जो उन किताबों में बताए गए हैं, क्योंकि अब अल्लाह के कवानीन कुछ और है, क्या एग्जैक्टली क्या वो कवानीन पे अमल किया जा सकता है नहीं, क्या अल्लाह के क्या कवानीन है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेके। ये मजहब, पहले ये गौर कर लें कि मजहब के कवानीन किसने बनाए या मजहब को शुरू करने वाला कौन है, यहाँ बात जरा खुल जाए तो बात वाजे हो जाएगी। दो डिमेंशन है, एक है इनडायरेक्ट फरिश्तों का डिमेंशन, एक है खुदा का इन डायरेक्ट डिमेंशन बुराए रास्त, ठीक है। अच्छा, अब आप कोई ऐसा काम कर देते हैं, आपको वकील की जरूरत पड़ जाती है, मिसाल तो आप उसके अथॉरिटी लेटर पर साइन करते हैं, जो तू कहेगा वही सही होगा, मैंने साइन कर दिया, ठीक है।
मेरा मुकदमा तू लड़ेगा, आपने उसको अथॉरिटी ना दे दिया। तो पहले ये देख लें कि इंसान जो है एक बहुत ही छोटी सी कायनात है, मखलूक है। फरिश्तों से पहले भी खुदा कई मखलूकात बना चुके हैं, पहले ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। और इतने इतना कुछ बताया हमारे नबियों को पता ही नहीं लग रहा। हम हमारे नबियों को जो खबर हुई है वो ये फरिश्तों की या जिन्नात की या परियों की, लेकिन वो तो अनगिनत जहां पैदा कर चुके हैं। तो जब ये मजहब जो है ये शुरू करने वाले इनडायरेक्ट डिमेंशन में जिसका अख्तियार दे दिया गया है कि तुमने इंसान की जो रेल उतर चुकी है पटरी से तुमने चढ़ानी है, ये फरिश्ते हैं जो कानून बनाती। जैसे 10 शरीयत के कानून बनाए मूसा ने, इस पे जिंदगी गुजारनी है। फिर ईसा ने उन कानूनों को नहीं माना, ये कह के ठुकरा दिया कि तुमने ये कानून फरिश्तों से तो पाए लेकिन तुम अमल नहीं कर सके। अच्छा, वो हर कानून के खिलाफ ही चला। जो कानून शरीयत लागू करती है उसने माफ कर दिया। अजीब सी बात हुई ना। अब देखते हैं कि इंसानों के कानून इस्लाम के अंदर बहुत से कानून हैं कि, और मैं कहता हूं कि अगर कोई मुफ्ती मुल्ला क्या इनके सूफी को भी ले आओ, अगर कानून की बात होगी तो इस शरीयत के कानून पे एक भी नहीं चलता। ठीक है। अब मसला ये है, एक तरफ कुरान जो है वो कानून की बात कर रहा है कि इन पे अमल करके आगे जाया जा सकता है, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है वो उससे भी ज्यादा हैरानगी की बात सुन लें आप। नहीं तो आप इलम वाले शख्स हैं, पता भी करा सकते हैं। कुरान 3 दफा के जाहिदों की बात कर रहा है, 3 दफा मुतकियों की, जाहिदों की बात कर रहा है कि एक दफा का मुतकी हुआ, फिर उसने तरक्की की रूहानियत में, फिर और एक आला मुतकी हुआ। ठीक है। फिर उसने तरक्की की रूहानियत में और जिंदगी के मकसद को उसने पाया। 3 दफा मुतकी की बात करके कुरान कहता है उसके लिए कोई कानून नहीं रहे, तो वो जो चाहे करे। लो जी, अब आप कौन से कानून को मेरे सामने पेश करेंगे? वो जो चाहे खाए पिए, जो चाहे करे, उसके लिए कोई कानून नहीं। तो पता लगा कि जो फरिश्तों के जहानों से आगे है, जब हम पहुंचते हैं जो खुदा के जहान है, वहां कानून खत्म हो जाती है, वहां एक ही कानून है, वो मोहब्बत इलाही है। उस मोहब्बत को जिसने पा लिया उसके लिए फुर्सत कहाँ है किसी और कानून को देखने के लिए। मुझे वो शेर याद आ गया, जहर दहर और हरम के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है। हरम और दहर के, और ये हज वो करे, वो कहते हैं अकबर आलाबादी, दहर और हरम के कतबे वो देखे जिसको फुर्सत है, यहाँ हद नजर तक वो खुद उनवाने मोहब्बत है। मोहब्बत करने वालों की उनका एक ही कानून रह जाता, उनकी शरीयत फिर एक ही रह जाती है, वो मोहब्बत इलाही हो जाती है। मोहब्बत इलाही के अंदर कानून इसलिए नहीं रह जाता कि जब आप वजद की दुनिया में पहुंच गए तो कौन सा कानून लागू होगा आप पे? होश में आएंगे तो कानून लागू होगा। तो जो बंदा होश में नहीं आ, अब वो देखो ना, वो रांझा ही करके तलाश कर रहा था, वो मौलवी के आगे से गुजर गया, मौलवी ने कहा तो मेरी नमाज तोड़ मेरा, उसने कहा मैं तुझे कैसे नजर आ गया,
मैं हीर की मोहब्बत में मुझे कोई नजर ही नहीं आता, तू मैं तेरी कैसे नमाज टूट गई, कैसे पढ़ता तू नमाज? ठीक है, तो एक रांझे पे एक दफा एक और भी हाल आया, वो जिस औरत को चाहता हाथ पकड़ लेता और कहता कि हीर तू इतने अरसे कहाँ रही, मैं तुझे तलाश। वो बंदे कई समझदार थे, वो कहते नहीं छोड़ दीवाना है पा। कई मारते वो कहते मेरी बड़ी है, तेरी हीर कैसे हो गई? उसको हर औरत ने अपनी हीर नजर, रांझा रांझा कवानी मैं आपे रांझन हुई, रांझन रांझन आखो मैनू उन हीर ना आखे कोई। अब मुझे हीर या रांझे से मंसूब ना करो, मैं तो अब खुदा से मंसूब हो गया। तो ये आपके सवाल का जवाब, अगर जी जी बिल्कुल मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया, मगर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दो तो। इसमें जस्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो अब निकाह के कवानीन है या जना जना के बारे में फरमाया गया है या बताया गया है, कहना मैं जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो निकाह के कवानीन है या फिर जो जना के लिए जो कवानीन इस्लाम के अंदर बताए गए हैं, या जो औरत सिर्फ एक ही मर्द की एक वक्त में रह सकती है, इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या औरत वाकई एक वक्त में जस्ट एक मर्द के साथ रह सकती है, औरत एक वक्त में दो से तीन मर्दों के साथ भी रह सकती है, और जस्ट इस बारे में थोड़ा सा। इसका जवाब मैं दे देता हूँ, जवाब गहरा है, समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी जी ठीक है, लेकिन मंजिल मैं मुतयन कर देता हूँ आपकी। ठीक है, जिन फरिश्तों ने शरीयत के कानून लागू किए उनकी दुनिया को मैं करोड़ों दफा देख चुका हूं। अच्छा, जो कानून और शरीयत उन्होंने लागू की इंसानों पर, अपने पे लागू नहीं की उन्होंने। बस सानू शरीयत के पुल पर बिठा, पुल सानू शरीयत ते पुल ते बिला बुला के माही साड़ा जमहूरी हो गया। अब जब आप को मैं आपको देखा पहले, आप जब ना वो शादी करते हैं, ना मुल्ला को बुलाते हैं, ना बरात ना कुछ, हर जनतों में ये होता है, वो एक हम सफर जो हसीन है वहां सभी हसीन है, किस किस हसीन की बात करें, वो कहते हैं कुछ वक्त के लिए जब तक मुझे नूर ना मिल जाए मैं तेरे साथ, और अगर नूर मिल गया तो हम सफर नहीं रहे। अब वो अरसा क्या होगा, तो वहां कोई किसी का हम सफर नहीं है, जब चाहे वो हसीन जमील हुसन का परतू अपना रुख किसी और की तरफ कर ले, जब चाहे वो किसी और की तरफ, लेकिन उनका मिलन इसलिए हुआ कि दोनों को खुदा की तलाश है। मेरी बात समझ रहे आप? तो हम सफर नहीं है। अब मैं आपको लेके आता हूं इन कवानीन की तरफ, मेरा मुताला आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो मुताला ये है, ए ईमान वालों, जो मर्दों को मिलेगा ए मोमिना वो तुम्हें दुगना मिलेगा। ठीक है, अब मोमने को मिली 72 हूरे, तो डबल हुआ, तो मोमना को कितने मिलेंगे शहजादे, हिसाब किताब है। जो इन्हें मिलेगा तुम्हें डबल मिलेगा, क्योंकि तुम पे इन्होंने जिंदगी तंग कर दी है। ठीक है, मर्द की दुनिया है ना इस्लाम, मैन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं एक मिसाल के तौर पे, आप जन्नत में पहुंचे, आपके सामने 72 शहजादियां,
और पता लगे आपकी जो वाइफ है उसको 144 शहजादे मिलेंगे, तो आपका क्या हाल होगा? और हर शहजादा आपकी बीवी को लेकर कभी किसी दुनिया में कभी किसी जन्नत में घूम रहा है, तो आप पे क्या बीतेगी? या आपको बतन ना मिले, आपकी बीवी को मिल जाए 144 शहजादे, और उनका अख्तियार जो है वो आपकी बीवी को, तो क्या आपकी बीवी बताएगी कि वो कहाँ किसके साथ जा रही है, क्या कर रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे दे। नहीं नहीं वो क्यों बताएगी, उसका तो दिमाग खराब होता है। तो मैंने तो मैंने राज की बात थोड़ी सी खोल दी है, तो साथ में ये भी बता देता हूँ, पर्दा ना उठाओ, जो पर्दा उठ गया तो फिर खोली जाएगा। जस्ट मुझे इतना सा बता दें, इस दुनिया में, चलिए ये तो जन्नत की बात है, इस दुनिया में थोड़ा सा मुझे इसकी क्लियरनेस दे दें कि इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम इस वक्त रह रहे हैं, देखिए हमें दुनिया के साथ भी चलना पड़ रहा है, अल्लाह के कवानीन पे भी अमल करना पड़ रहा है, साथ साथ ही दुनिया भी है, तो इस दुनिया में इस वक्त जना को लेके या एक औरत, जैसे इस्लाम कह रहा है एक औरत एक ही मर्द के साथ, तो आपका इस दुनिया के मतलब क्या है? क्या औरत एक वक्त में दो तीन मर्दों के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती इस दुनिया में? इसका भी मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दूंगा, जी जी आपके नबी की मिसाल दे दूंगा। मोहम्मद साहब सही भाई, बात ही खुल गई भाई। मैं आपको अगर आप मेरे कंधे पे अपनी पिस्तौल रख के मारेंगे तो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो कहेंगे वो जी वो चंगा मसीह जमाना है। अच्छा, तो आपके नबी के मोटे पे कंधे पे रख के मैं बंदूक ना मारू ताकि बात उधर चली जाए। ठीक है तो ज़ैद बिन हारिसा मोहम्मद साहब के बेटे थे, आपने एडॉप्शन की, ठीक है, और ज़ैद बिन मोहम्मद अपना बेटा बनाया था, बेटे की तरह पाला, और ज़ैद बिन हारिस ज़ैद की शादी जो थी वो ज़ैनब से हुई, मैं आपको ये आसमानी बातें बता रहा हूँ जो छुपवा रह गई, अब मोहम्मद साहब ज़ैद बिन हारिसा मुझे बता मामले क्या हुए अंदर से। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब की कई लौंडियां भी थी, तकरीबन 20 या 30 फिर औरतें भी थी जो जो बीवियां खिलाती थी। तो मिसाल ये है कि एक दिन आप ज़ैद से मिलने गए, वो तो नहीं थी, ज़ैनब सामने आ गई। अब ज़ैनब का हुसन देख के मोहम्मद साहब कहते मैं भी बशर हूं, तो दिल लगी में ऐसी दिल लगी हुई, तो इधर वो किसकी बहू है, किसी मोहम्मद साहब लगे नहीं उसके, क्या कहते हैं सुसर जी लगे होंगे। अब ज़ैनब ने बताया कि मोहम्मद जब तू नहीं होता तो मोहम्मद साहब आते हैं और हमारा आपस ये हो गया। तो वहां तो बाप और बेटा दोनों इकट्ठे हो गए, बाप भी और बेटा भी। जब एक से इश्क होगा तो वो इश्क की इंतहा क्या है वो आपको खुद ही पता होगी। फिर इश्क ना वो क्या कहते हैं, इश्क ना जात जानता है ना, जो क्या कहते हैं, इश्क ना जाने जात ना कोई, मुझे याद नहीं है। तो इश्क ना पूछे जात, नहीं 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 वो एक और अल्फाज, इश्क जो है वो फिर किसी चीज की तमीज नहीं करता। ठीक है, तो काफी ऐसा ये सिलसिला चलता रहा। तो अब वो तो थी अपना मोहम्मद, वो ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो तो ज़ैद बिन मोहम्मद वो तो बेटे थे। तो फिर आपने उस बात को यूं कहा कि वो मेरा अब बेटा नहीं रहा, उसको उसके बाप के नाम से पुकार।
बिना आर्द्रता के नाम से, ताकि थोड़ा सा जो बोझ पांड है वो तो हल्की हो जाए। ठीक है। अब जैद बिन हारसा कहते हैं इस रात का मुझे खबर थी या मामा साहब को, मेरे जो बाप थे। तो आप देख लें एक बूढ़ी बाप और बेटे के दरमियान में, और इससे ज्यादा मैं आगे चल के और मिसाल दे देता हूं। फिर यह है कि कानून की हद क्या है। लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ है। पढ़ लें तौरात। मुसले कहते हैं जो तो भाई वो अपनी तौरात को आज भी मानते हैं, तुमसे ज्यादा मानते हैं है? तुम कैसे कह सकते हो कि उनकी उनकी तौरात गलत है? तुमने तो बल्कि तौरात से काफी तालीम दी है कुरान में। तो वो कहते हैं लूत के जब वो अजाब आया तो दोनों बेटियां थी, तो दोनों बेटियों के साथ जो हमल हुआ, तौरात कहती कि इनसे बनी इसराइल की नस्ल चली, इनसे है तो ये सारे हरामी पैदा हुए हैं। और कुरान कह रहा है कि बनी इसराइल को जानों में फजीलत दी थी। अब आप बताएं फैसला आप करते हैं, सही को पूरे जान पे फजीलत कैसे मिल गई? फैसला आपने करना, मैं सारा कुछ, मैं बंदूक और गोलियां आपके हाथ में दे रहा हूँ ताकि मेरी तरफ कहीं ना शूट कर दें कि जी हम तो गए थे उधर तो उन्होंने तो वो। मैं इसकी तफसीलात में बता रहा हूँ, ये कवानीन लोअर क्रिएशन पे लागू है। कहाँ पे लागू है? लोअर क्रिएशन, फरिश्तों की दुनिया, जिन्नात की दुनिया। इन दुनिया के अंदर ये कवानीन आ जाते हैं, लेकिन अब जब खुदा की दुनिया में पहुंचेंगे तो कानून कोई राय नहीं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक एक मिसाल मैं अपनी देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा मेरे भी बेटियां हैं, मेरे भी सब कुछ हैं। ये कवानीन इसलिए हैं ताकि तुम्हारी तरबियत हो जाए। पहले क्या हो जाए? तरबियत। तुम जाहिलियत के जमानों से निकल कर इतनी तो पहचान कर सको ये तुम्हारे चाचे हैं, ये मामी है, इनके साथ ना सो, अपनी माओ अपनी बहनों के साथ। ठीक है। पर इससे आगे जब पहुंचे तो सवाल ये उठता है कि मोहम्मद साहब का क्या हाल था जब वो उधर जाके बेटे की बहू, तो उसके मुताबिक सूफी कुछ और बयान करते हैं। हम बंदूक फिर सूफियों के मोड़े पे रख देते हैं। वो कहते हैं ये सुकर और सहू का मामला था। समझ गए आप? सहू और सुकर। सहू वो कहते हैं ये सुकर, उस सुकर के आलम के अंदर इंसान को तमीज नहीं रहती, वो इतना दूर निकल जाता है उसे तमीज नहीं रहती। सहू के आलम में वो होश में आ जाता है। तो जब आप खुदा की मोहब्बत की दुनिया में पहुंचेंगे तो होश में आएंगे। अच्छा मैं एक बात करके खत्म कर दूंगा। वो बात ये है कि मैं खुदा के जानों डायरेक्ट डिमेंशन की बात कर रहा हूँ। मैं तो फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते औरतों को भी इख्तियार हैं, वो जितने चाहे मद रख सकती है। और फरिश्ते जो मर्द हैं उनको भी इख्तियार है, उनकी शादियां हैं ही नहीं। सही। तो वो इमाम आजम थे तो उन्होंने एक औरत है, उन्होंने कहा कि बुढ़े ने बड़ा गुस्से में था मेरा खामद, पहले एक तलाक दी, दूसरे दिन दो तीन दिन के बाद फिर दे दी तलाक, तीन तलाकें दे दी, अब तो हलाला करना पड़ेगा। तो मुझे फिर ये बताएं कि बीवी तो उसकी है तो हलाला करने के पास गैर मर्द के पास क्यों भेजते हैं आप? सवाल उठता कि नहीं उठता? वो हलाला ऐसे हो गए वो आदमी सही तरीके के सोए, और गालबन कुछ मियार भी मुद्दत भी मियार कायम की गई है, मुद्दत गालबन तीन माह या कि वो हलाला करे, यानी एक बीवी दो मर्दों के हाथ में आ गई। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सहाबा बाज़ुकत ये तलाक से फायदा भी उठाए हैं। वो आपस में बड़ी मोहब्बत थी ना मर्दों की, उन्होंने कहा कि
तो ये मैंने 3 तलाकें दी। उसने कहा मैं क्या करूँ, तो पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, होता था तो मेरे वो जो दोस्त हैं उनके पास, तो फिर वो हलाला करता था, फिर वो अपनी बीवी को तलाक देता था। जैसे मॉडर्न जमाने में हम स्विचिंग करते हैं इधर से उधर पार्टी में जाते हैं। हाँ जी, हलाला हो रहे हैं, एक की बीवी 2 हलाला कर रहे हैं। तो उसने कहा ये तो मुझे तलाक दे दी, तो बड़ा रोई। मैं तो नहीं चाहती हलाला करवा, बूढ़ी बेचारी नहीं थी। तो इमाम आजम ने कहा जा फिर रहना शुरू कर दे जैसे पहले रहती थी। उन्होंने कहा, तो जब वो गई उसने कहा, इमाम आजम कहते बोल जा तलाक शलाक, फिर अपनी जिंदगी गुजार, अगर तू हलाला नहीं करना चाहती तो फतवा लेके इमाम आजम पे आ गए, तूने तो कुरान का और जो हमारे कानून थे उसका ही जो हदीस में है सत्यानाश कर दिया, उनको वापस भेज दिया जा रहे। तो इमाम आजम ने कहा मुझ पे फतवा तो लगाया है, मेरे साथ मुनाजरा भी करो। उन्होंने कहा हाँ, इसीलिए तो है हम दजिया पे खेल रहे हैं, तो कुरान के और कवानीन और शरीयत की। आपने कहा जब आदम और हव्वा को खुदा छोड़ गया, ये नाफरमान थे, कुरान कहता है इन्होंने नाफरमानी की, ये सच्चे रस्ते से भटक गए, खुदा इनको छोड़ गया। तो जब इनकी शादी नहीं हुई, खुदा ही छोड़ गया है, वही खुदा निकाह पढ़ाता तो शादी होती। तो खुदा नाराज होकर चला गया जब तुम्हारे अब्बा अम्मा की शादी नहीं हुई, तो तुम्हारे किसी की भी शादी, पहले तो शादी हो फिर तलाक हो। तो वो कह ये रहे थे जब तुम्हारे अम्मा अब्बा की शादी नहीं हुई, खुदा नाराज होकर उनके उनके साथ चला गया, तो तुम सारे हरामी हुए थे। यही तो बात वो करते थे बनी इसराइल ईसा को, तू हरामियों की औलाद है, तेरे बाप का नहीं पता। वो कहता था मेरा अब्बा जो है वो खुदा की जात, वो जमीनी अब्बा की बात ही नहीं कर रहा। बीवी 2 की, यूसुफ से शादी, बच्चा करवा रही है जकरिया के साथ। आपने ये बात सुनी है कि उसका बाप जकरिया था, अब आगे खुद ही वो बात। तो आज तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब मैंने मुतय्यन कर दिए आपके। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जब तक एक मुत्तकी कहते हैं जो खुदा का तकवा अख्तियार कर गया, जो निकल गया, पहले तो आप मुझे इस तकवे से निकल के दिखाए ना पहले। जब तक तकवे से नहीं निकलेंगे आप पे कानून लागू होते रहे, फिर दूसरे जहान से गुजर के दिखाए, फिर तीसरे से, और उसके बाद फिर मैं से आके बात करना, हजूर मैंने तो जनतों में ये देखा, ये क्या है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे जी, फिर वो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ेगी, वरना सब ये कानून के अंदर ही आएंगे। अब देखिए मैं आपको आखिरी बात कहकर खत्म करता हूँ। परवाज हुई मेरी, मैं खुदा के महावरा जन्नत में हूं, और जनते ऐसी हैं खुदा की, 1000 साल आप देखते रहे, देखते रहेंगे 1000 साल उनका हुसन, उनको देखते ही रहे। और वहां के मौसम ऐसे हैं, यहाँ तो मौसम आता ना एक दफा बाहर का, मैं कई दफा बता चुका हूँ, वहां कुछ कुछ सेकंड के बाद मौसम बदल जाते हैं खुदा की मोहब्बत। आए मौसम सुहीले, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आ जा पानवा, ऐसे मौसम। फिर वहां भी जो बिजली, यहाँ तो बिजली चढ़ती है तो आदमी वैसे वैसे मौत आने लगती है, वहां आसमानी नूर की मोहब्बत की बिजली जब कड़कती है तो खुदा का चेहरा दिखाई दे। जब बयान क्या कर रहा हूं, मैं पहुंचा हुआ अभी उसी जन्नत में खड़ा हुआ हूं, तो आसमानी नूर के पानी देखे मैंने, जैसे वादी नहीं होती वादी, उस वादी के बीच में से एक नूर के परतों
ऐसा नूर के आप लाखों साल देखते रहे, वो निकली पानी में से। अच्छा पहले उसने आगे पीछे घूम के देखा और फिर उसने मुझे देखा, तो वो मेरी तरफ आई। उसका हुसन, उसके हुसन की मिसाल, यानी कि जन्नत जो थी उसके हुसन के बगैर फीकी पड़ी। वो मेरे पास आई और उसने मुझे सूंघा, क्योंकि मेरी रूह से खुदा की खुशबू आती। उसने मुझे सूंघा, मेरे नूरों से उसको ऐसी कशिश जैसे परवाना, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, तमा की तरफ खींचा चला आता है और अपने आप को मरवा भी देता है। ठीक है, ठीक है कि गलत है? जी बेशक होता ना ऐसा। मैंने कहा कहीं मैं गलत बात ध्यान कर, सूंगा मुझे अगर यहां मुझे देखें तो मैं बुढ़ा आदमी, कोई हुसन बाकी नहीं रहा, वहां मिलेंगे तो मैं हुसन का परतू। ठीक है, फिर उसने मुझे चूमा, फिर वो मेरे साथ सोई। मैं ये बात कह रहा हूं ताकि आने वाली नस्लें के ठोकर ना खा जाए। सोई उसके मोहब्बत में एक जिंदगी जंतों में ना काफी है। उस जब वो मोहब्बत और प्यार में सो रही थी, मेरे मतलब समझिए ना, सोने का मतलब ये ना कि सो रहे थे हम, यानी कि जब हम एक दूसरे के साथ थे। समझ आ गई बात कि नहीं? जी जी बिल्कुल। मैं भी तमसील बयान कर रहा हूं। तो इस दौरान में मेरी, मैंने जो देखा उस रूह के परतु हुसन में सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी। जैसे हमारे अंदर है ना, वो सोच सकती थी ना वो गुफ्तगू हो सकती थी, ना कोई मोहब्बत का इजहार हो सकता था। बस वो खुदा के नूर की कशिश में वो मेरे साथ सोई और वो चीज, ये चीज उसको खिंचे। सोने के बाद ना उसने मुझसे पूछा तेरा नाम क्या है, वो हाँ वो कि इश्क ना पूछे, ना कोई जात भी नहीं पूछी, तू कौन है क्या है। इसके बाद मैंने देखा कि जिसके पास ज्यादा नूर हो जंतों में, उसने मुझसे कुछ नूर पाया। और उसके पास जो नूर था उसका हिस्सा उसने मुझे दिया, और फिर वो पानियों में चल के गायब हो गई। अब इस बात की तशरीह कैसे करें, इसको कैसे बताएं, ये क्या रिश्ता है? तो जो वहां तक पहुंच गया वो इन रिश्ते जो है जमीन पर इनकी कदर करेगा, इनकी कदर करेगा, क्योंकि ये रिश्ते जो है, ये जो है मोहब्बत के रिश्ते हैं, वो जो रिश्ते होंगे वहां हुसन और इश्क का चक्कर है, वो किसी हुसन के परतू पे नहीं होगा। वहां जो मंजिल होगी हुसन की या मोहब्बत की, वो तो खुदा की जात होगी। वहां जो मामलात हैं, वहां तो हर जन्नत में नए हम सफर मिलेंगे। तो कभी आपको आपकी बेटियां या कुछ मिल गए तो आप इस मोहब्बत की कदर को जानेंगे, वो कुछ और था। ठीक है कि नहीं? तो पहले तीन राउंड से निकले, फिर खुदा ने चाहा तो जब तक वो चीजें आपसे नहीं गुजरे, तो मैं कहता हूं ये जो रिश्ते हैं इनकी कदर करो, क्योंकि ये रिश्ते जो है आगे जाके खत्म हो जाएंगे। वहां जो है मंजिल खुदा की जात होगी, वहां जो हुसन के परतू हैं वो आपसे कभी भी इश्क नहीं कर पाएंगे। उनकी जो मोहब्बत इलाही का जो क्या कहते हैं हाईलाइट, क्या कहते हैं हाईलाइट को, महवर जी है जी, उनकी मोहब्बत का महवर जी,
मेंबर जो होगा वो तो खुदा की जात होगी और आप उनसे मोहब्बत कर बैठे तो आप तो फिर जाएंगे उस जन्नत में, आप तो आगे नहीं जाते। मैं फिर यहाँ पे खत्म करता हूँ, तो आप उम्मीद है आप अगली दफा भी आएंगे। मैं तो आपको कोई और सवाल, क्योंकि हुजूर इनसे मेरी बात हुई थी लास्ट वीक में, तो मैंने गुजारिश की थी, अब मैं पूछ लेता हूँ आपके सामने ही कि क्या आप हुजूर की बैत के लिए आप तैयार हैं या भी और स्टडी करना चाहते हैं, कुछ महफिलें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वह आपके डिपेंड करता है। मैं आपका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग करी तो मैं आपसे ही मुखातिब हूँ, तो ये अवान साहब के भी बहुत अजीज हैं, जानते हैं इनके वाले, तो आप हमारे साथ हैं बेटा ब्रदर, तो बता दें। हाँ जी, मैं आपने मुझसे सवाल किया कि जी हुजूर, मैंने इन मोहतरम से जो अभी का नाम लिए बगैर मैं इनसे पूछा, अच्छा अच्छा, कि आप क्या हुजूर की बैत के लिए तैयार हैं या आप अभी कुछ और स्टडीज करेंगे या कुछ और समाप्त के बाद आप सोच रहे हैं। मेरा सवाल जो इनसे ये, इन्होंने किताबों का कोई मुतायला किया? हुजूर ने हमने किताबें शेयर की हैं, आपके वीडियोस लिंक्स वगैरह, तो ये मसरूफ हैं, सुन रहे हैं, और ये खवातीन के हकूक के लिए कुछ करना चाहते हैं जी। ये बराह रास्त भी हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं, मेरे साथ भी, अवान साहब के साथ भी रابطے में जी जी, तो जब ये बता देंगे तो उस वक्त ये बता देंगे। अगर ये औरतों के हकूक के लिए खड़े हुए हैं तो फिर तो मर्दों के हकूक तो इन्हें पता है, मर्दों ने तो अपने हकूक अपने पूरे किए हुए हैं, अगर औरतों के हकूक हुए तो अब यूरोप में एक सवाल किया जाता है बड़ा जोर से, अगर तुम्हारे मजहब के अंदर मर्द चार शादियां कर सकता है तो हम चार शादियां क्यों नहीं कर सकते, औरतें यूरोपियन सवाल कर, तो इनसे पूछ ले इनकी कितनी तैयारी है, जो ईमान या बैत का ताल्लुक है वो दिल से है, ताकि मैं गवाह हो जाऊं कि इन्होंने मेरे हाथ में गवाही दी थी और मौत के बाद इनको उड़ाता हुआ, परवास कराता हुआ खुदा के हजूर पहुंचा, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन तो नहीं, शरायत नहीं है, लेकिन उसके लिए इनको भी तीन वादे करने पड़ेंगे, तो देख लें कि ये कितने तैयार है, इसका जो फैसला वो दिल, तो पूछ लें इनसे। अगर ब्रदर अगर आप किसी मसूफियत के बायस आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आप माइक ऑन नहीं कर सकते, कोई पास में बैठा है तो भी आप मुझे पर्सनल में बता दीजिएगा, हम हुजूर को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले आएंगे उस रोज उस वक्त पे हुजूर के मजसर और बात करेंगे, तो आपका मेरा पैगाम पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आ पा रहे किसी मजबूरी से तो हम हुजूर को यहाँ पर आज की नशिस्त बर्दाश्त करने की बात करेंगे। जी सर, मुझे समझ आ गई बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी जी, चलो ठीक है, इनका रब्ता आपके साथ है, तो मुझे यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई आधे घंटे के बाद लेक्चर और देने हैं, क्योंकि तैयारी के लिए बड़ा वक्त दरकार होता है, तो कोई छोटा मोटा सवाल कर लें वरना फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है सर, आपके टाइम का थैंक यू फॉर योर टाइम, आप तैयारी करें, आप बहुत बिजी आदमी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोई सवाल नहीं है, तो मुझे फिर अता साहब इजाजत दे दें। जरूर, आपका बहुत शुक्रिया जी तरफ से, कल आपको मिलते हैं जी प्योर डिस्कशन पे, 20-15 पहले हम आ जाएंगे आपसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, मैं और सूरज खान साहब आपसे, सिर्फ सूरज साहब को ले लें सिर्फ, तो फिर हमने कुछ ऐसी बातें करनी है, फिर वो मेंबरों को आप बता दें। आप तमाम मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर
आप रुकना चाहें तो हम 5-10 मिनट बात कर सकते हैं।